इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि भारत ने तैयार कर लिया है देश का पहला एल्युमिनियम रेलवे वैगन। ये भारत की बड़ी सफलता है। इसको बनाने वाली एक भारतीय कंपनी है, जिससे देश के अंदर कार्बन इमिशन को रोका जा सकेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सेव की जाएगी और लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन एल्युमिनियम वैगन्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिन्हें भारत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करके मोटी कमाई कर सकता है। और हम सभी जानते हैं देश के अंदर रेलवेज का मैक्सिमम बजट फ्रेट बिजनेस से आता है, जिससे कहीं ना कहीं रेलवेज को फायदा होगा और इससे देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ पक्की है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है हिंडाल्को ग्रुप, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी का एक हिस्सा है। उन्होंने 23 अगस्त को इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि उन्होंने देश का पहला ऑल एल्युमिनियम वैगन विकसित कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये वैगन स्टील रेक की तुलना में लगभग 3.2 टन हल्का है। हिंडाल्को ग्रुप काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहा है और स्पेशली भारतीय रेलवे को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया जा रहा था और फाइनली इसमें सफलता प्राप्त कर ली गई है। ये वैगन काफी ज्यादा हल्के हैं, इनकी इफिशियंसी काफी ज्यादा हाई है। इन्हें एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना करके तैयार किया गया है, जो 180 से 190 टन प्रति ट्रिप पोलैंड को आसानी से झेल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये देश के अंदर कार्बन इमिशन को भी रोकने में मदद करेंगे, क्योंकि ये हल्के हैं और कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और कार्बन इमिशन भी रुकेगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आती है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनके आने से देश के अंदर एक साल में 1500 टन कार्बन उत्सर्जन को बड़ी आसानी से रोका जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने रिसेंटली ऐसे ही वैगन्स के लिए टेंडर को इन्वाइट किया है, जहां पर 200,000 वैगन्स को शामिल किया जाएगा और ये लगभग 1.5 करोड़ टन कार्बन इमिशन को बड़ी आसानी से रोक पाएंगे। इसके अलावा हिंडाल्को ग्रुप का टारगेट है कि देश के अंदर उनके जितने भी बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं 2050 तक उनको शून्य कार्बन इमिशन के साथ तैयार करना है। तो देश के अंदर कार्बन इमिशन को रोकने के लिए ऐसे ही बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर निकल के आई है रेलवे से। फिलहाल रेलवे में ऑपरेट होने वाले अब इन ऑल एल्युमिनियम वैगन्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।